सो हेलो गाइज, मैं रफो जॉनसन और आज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो आप हमने देख के समझ ही गए होंगे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो हम अक्सर कहते हैं, पहली बात तो फ्रांसिस भाई आप कौन होते हैं पास्टर डैनियल राज को जज करने वाले, क्या आप नहीं जानते वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही उनको इस पोजीशन में आने के लिए बहुत टाइम लगा है। आप ऐसा कैसे किसी को जज कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत ही बार सुना होगा सो कॉल्ड अंधभक्तों के मुँह से, लेकिन आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि जज करना किसे कहते हैं और ऑब्सोल्युटली बाइबल क्या हमें जज करने को मना करता है, या क्या है मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पहली बात, हम बाइबल रोमन्स 12 वर्स 13 में कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। सहायता करो मतलब क्या? दालचीनी कम पड़ जाए तो हम उन्हें देने जाए? दोस्तों सहायता करो मतलब स्पिरिचुअली हमें हेल्प करना चाहिए। अगर कल को मैं खड़े होकर गलत बातें बाइबल से गलत संदेश कहता हूँ तो आपका हक होता है मुझे सही करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जज कर रहे हो, कह रहे हो कि तू पापी है, तूने बाइबल का गलत रेफरेंस दिया। नहीं, ये कहना कि आपने उस चीज़ को मिसकोट किया है, मैंने उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया है, तो वो मेरी गलती है और मैं अपनी गलती को आप मेरे को बता रहे हो, तो इसका मतलब जज करना नहीं होता। दूसरी बात, हमें बाइबल खुद सिखाती है रोमन्स 12:13 के अनुसार कि हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली। हम ये चीज़ जानते हैं, तो हमारा एक तरीके से ये कर्म होता है और हमारा एक तरीके से एक ऑर्डर है कि हाँ हमें हेल्प करना चाहिए दूसरों की स्पिरिचुअली। और जज करना, मेरे को समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि फ्रांसिस हमेशा दूसरों को जज करता रहता है। पहली बात तो मैं कोई फ्रांसिस ब्रदर का डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, जब तक वो बाइबल के साथ हैं तब तक मैं भी उनके साथ हूँ, जब तक कोई पास्टर बाइबल के साथ है तब तक मैं भी उनका साथ देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं, अगर आपने कल को मेरे पास्टर को बोल दिया कि यार उसने गलत प्रीच किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज रहूँगा, अगर तुमने मेरे पास्टर को नीचे गिराने की कोशिश कैसे की। नहीं, इसका मतलब ये कि हाँ उन्होंने बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर दिया था और वो सही करने के लिए उस वार्निंग को, जब हम, सबसे बड़ी गलती मेरे को दोस्तों वहाँ लगती है जब हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते, जहाँ हमने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ यार मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, वहाँ ये बात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में एकदम डिग्री नहीं ले सकते, आप दुनिया की किसी भी किताब को पढ़कर एकदम अच्छे से उस पर रट्टा लगा के कुछ भी कर सकते हो, उस पर डिग्री ले लो, लेकिन पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब है, आप चाहे कुछ भी कर लो आप इसमें कभी निपुण नहीं हो सकते जब तक, क्योंकि ये किताब हम रट नहीं रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ये सब चीज़ें सिखा रही है, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रही है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसी तरीके से आगे जब हम देखते हैं, जैसे कि जजिंग अदर्स का, मैं आपको बता दूं मैथ्यू चैप्टर 7:3 में जीसस एक पैरेबल के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि तू अपने भाई का आँख में से तिनका क्यों निकाल रहा है जब तू अपने आँख का नहीं निकाल सकता। तो इसका क्या मतलब है, अगर कल को कोई चोरी कर रहा है और मैं भी चोरी करता हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई तू चोरी क्यों कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तू चोरी मत कर, या तू, मैं भी झूठ बोलता हूँ और मैं उससे कह रहा हूँ भाई तू झूठ मत बोल, इससे जज करना होता है कि मैं उससे कहूँ कि तू पापी है, तूने चोरी की और यहाँ मैं खुद ही बहुत बड़ा चोर हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? दोस्तों किसी को बिब्लिकली करेक्ट करना मेरे ख्याल से ये जज करना नहीं होता, क्योंकि, और अगर आप इसे जज करना कहते हो तो मेरे ख्याल से शायद आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया। क्योंकि दोस्तों अगर कोई किसी को बिब्लिकली करेक्ट कर रहा है तो उसमें दो चीज़ें देखना है कि पहला, सामने वाले ने बाइबल को किस वर्स को कैसे मिस इंटरप्रेट किया, और जो उसको बता रहा है कि आप उसे सही इंटरप्रेट करके बता रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें, और अगर चलो सामने वाला सही बता रहा है तो इसमें हमें नीचा नहीं गिरना होगा। मेरे ख्याल से हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई अगर हमें सही कर रहा है तो हम नीचे गिर गए, हम उस लेवल से, मतलब जो हमारा पोजीशन था उससे नीचे गिर गए? अगर हम अपनी गलती मान लेते ना दोस्तों, मेरे ख्याल से
हम क्योंकि हम सब एक दूसरे को स्पिरिचुअली हेल्प कर सकते हैं और हमें करना है, जैसे कि रोमन्स 12:13 के हिसाब से हमें आपस में भाईचारा रखना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है, और ये हमारा मकसद भी नहीं है। हमें एक दूसरे को स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, फिजिकली हेल्प करना है, और सबसे मेन तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअली हेल्प करना ही है। क्योंकि अगर मेरा कोई दोस्त या अगर मेरा कोई भाई स्पिरिचुअलिटी में नीचे गिर रहा है, या उस बाइबल की उस बातों को समझ नहीं रहा है, या उसे बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है, या वो बाइबल के उस वर्ड्स को समझ नहीं रहा, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसे मैं समझाऊं। क्योंकि और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोग इस चीज़ को जज करना कहते हैं। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को जज करना कहते हैं तो मेरे ख्याल से शायद आपने किसी बाइबल वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट ले लिया है और मिस इंटरप्रेट कर लिया है, और मेरे ख्याल से आपको फिर से बाइबल पढ़ना चाहिए। इसे जज करना नहीं कहते, किसी को बिब्लिकली करेक्ट करने को हमें उसे स्पिरिचुअली हेल्प करना भी कह सकता। तो हर चीज़ जज करना नहीं हो सकता, और इस बात को तो आप कभी मत मानो कि मैं हमेशा बिब्लिकली करेक्ट हूँगा। मैं भी कहीं जगह बिब्लिकली रॉन्ग हो सकता हूँ, बिब्लिकली उस वर्ड्स को रॉन्ग मिस इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो ये अगर आप मेरे को बता रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पोजिशन से नीचे गिर चुका हूँ या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ को समझना है कि किसी को हेल्प करने से या किसी को सही वचन बताने से वो आदमी या वो पास्टर जो भी हो वो नीचा नहीं गिर जाता, और मैं तब तक उन सभी लोगों के साथ हूँ जो लोग बाइबल को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक फ्रांसिस भाई बाइबल को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते रहेंगे तब तक मैं उनके साथ हूँ। अगर कल को मैं भी कुछ गलत कह जाता हूँ अपने वीडियो में, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे बताएं कि नहीं मैं गलत था, और मैं उसे ओपनली कहूँगा कि हाँ मैं गलत था, और उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी मांगूँगा। तो इस चीज़ पर लड़ाई और बहस ना करें कि भाई तू गलत है वो गलत है, बल्कि हमें सबको समझाना चाहिए, और आगे आप ऐसी मस्ती में बढ़ते रहें और एक दूसरे की हेल्प करें, इसको जज करना ना समझें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।